एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोरीज बाय रिया। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए समथिंग न्यू लेके आई हूँ। सो आप सोच रहे होंगे कि आज रिया क्या नया लेके आई है। सो फ्रेंड्स, मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चने की दाल विद तड़का। एंड ये मेरी फेवरेट दाल है। I mean, मुझे और कोई दाल पसंद नहीं, बट ये दाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि इसमें जो चने का जो टेस्ट होता है ना, वो एकदम लाजवाब आता है। एंड इवन आई कैन इमेजिन राइट नाउ। सो फ्रेंड, ये जो दाल है ये मेरी मदर ने नहीं बनाई, दादी ने नहीं बनाई, उन लोगों ने मुझे कभी नहीं खिलाई ये दाल, मुझे खिलाई मेरी ताई जी ने। सो वो मेरे लिए हमेशा, मीन्स आप कोइंसिडेंस कह लीजिए कि मैं जब भी अपनी ताई जी के पास जाती हूँ, सो ये दाल हमेशा वो बना ही रखती है। इट्स अ कोइंसिडेंस। सो फ्रेंड्स, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं चने की दाल को बनाना। सो देखते हैं कैसे बनाते हैं। बाय बाय। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग एक बड़ी कटोरी में चने की दाल लेंगे। मैंने इसे पूरा ऊपर तक भरा है और अब हम इसे इसमें डाल के अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। फ्रेंड्स, टैप को ऑन कीजिए। हमें इसे कम से कम एक बार नहीं, 5 to 6 टाइम हमें इसे अच्छी तरीके से वॉश करना है। और बिल्कुल इन दैट वे, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं, दाल को अच्छी तरीके से मसल कर धोना है हमने। सो फ्रेंड्स, इसे कीजिए आप लोग पहले। धोने के बाद आप देख सकते हैं मेरी दाल एकदम साफ हो चुकी है। सो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने गैस के ऊपर ये कुकर को रख दिया है, बड़ा कुकर लिया है मैंने 5 liters वाला, और अब मैं इसके नीचे गैस ऑन कर दूंगी। अब सबसे पहले हमने जो हमारी दाल को वॉश किया था, हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी सारी दाल। अब हम इसमें जो कटोरी हमने यूज़ की थी दाल लेने के लिए, उतनी ही, कम से कम 4 कटोरी हम पानी डालेंगे। अब हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी का डालेंगे, 1/4 चम्मच नमक, और फिलहाल हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके हम कुकर की लिड लगा देंगे और कम से कम नहीं तो 6 to 7 विसल्स आने के लिए वेट करेंगे। फ्रेंड्स, आफ्टर 6 to 7 विसल्स मेरी दाल अभी भी थोड़ी सी खड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, जब हम लोग इसमें छौंक लगा देंगे उसके बाद भी हम इसे कम से कम 2 विसल्स और लगवाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं तड़के की तरफ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हमारी कढ़ाई में 5 tablespoons हम लोग इसमें रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। सफोला का जो ऑयल होता है मैं यहाँ पर वो यूज़ कर रही हूँ। तो हमारा जो ये ऑयल है ये काफ़ी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 tablespoon जीरा डाल देंगे और उसी के कुछ टाइम बाद इसमें हम लोग 1 medium size हमने प्याज लिया था, उसे हमने अच्छी तरीके से चॉप किया है और वो हमने इसमें डाल दिया। अब हम वेट करते हैं, प्याज को अच्छी तरीके से भूनते हैं, उसके बाद हम इसमें अपनी टमाटर डालेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी जो प्याज है ऑलमोस्ट वो अच्छी तरीके से सॉटे हो चुके हैं, बट थोड़ी देर के लिए हम इसे और भून लेंगे मीडियम आंच पे, और उसके बाद हम इसमें अपने जो ड्राई मसाले हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हमने हल्दी और नमक ऑलरेडी दाल में डाल दिया है, सो वो अब हम नहीं डालेंगे। सो अब हमने इसमें डाला 1 tablespoon गरम मसाला, 1/2 tablespoon लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। एंड देन तुरंत ही हम इसमें डालने वाले हैं हमारी टमाटर की ये प्योरी, और इसे काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग सॉटे कर लेंगे टमाटर की प्योरी को भी, ताकि ये भी अपना ऑयल जल्दी से छोड़ दे। सो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट टमाटर भी अब हमारे होने ही वाले हैं, क्योंकि टमाटर मैश हो रहे हैं अब,
इन केस अगर ये कच्चे रहते तो ये मैश ना होते। और अब हम लोग हमारी जो बॉइल्ड दाल है हम लोग थोड़ी सी करछी की मदद से हमारे इस मसाले में डालेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं करछी की बैक साइड से थोड़ी सी दाल को मैश कर रही हूँ। इससे क्या होता है हमारी जो दाल होती है उसमें गाढ़ापन आ जाता है और चने की दाल में गाढ़ापन लाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जो हरर मलका की दाल होती है वो जब उबलती है वो उसी टाइम पे गाढ़ी हो जाती है, लेकिन चने की दाल गाढ़ी नहीं होती। सो इसी तरीके से आप इसे अच्छी तरीके से मैश कीजिए एंड उसके बाद ही आप इसे बॉइल्ड दाल में ऐड कीजिए। सो फ्रेंड्स अब हम इसमें अपना मसाला डाल देंगे। मैंने कुकर के नीचे गैस को ऑन कर दिया है ताकि वो अच्छी तरीके से पक जाए। सो फ्रेंड्स हमारी दाल बनकर एकदम रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी मनपसंद की बनाऊं, सो प्लीज फ्रेंड्स कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड बाय बाय, टेक केयर, सी यू।